वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2021 होंडा अमेज फेसलिफ्ट। होंडा अमेज फेसलिफ्ट का प्राइस 6.32 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस है 11.15 लाख रुपीस। अमेज फेसलिफ्ट के अंदर आपको पहले की तरह ही दो इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, जो कि हैं 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। एंड ये दोनों इंजन ऑप्शंस आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर किए जाते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो अब होंडा में इसके अंदर आपको सिर्फ तीन ही वेरिएंट्स मिलते हैं, जो कि हैं ई, एस एंड वीएक्स। एंड अभी हम होंडा में इसके टॉप ऑफ द लाइन वीएक्स पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के सामने खड़े हैं और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 8.22 लाख रुपीस। चलिए अब कार के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपको होंडा में इस फेसलिफ्ट के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं एंड क्या क्या फीचर्स को अब इस कार के अंदर एड ऑन कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि अब आपको यहाँ पे ऑल न्यू फ्रंट ग्रिल दी जाती है, जो कि आती है पूरी क्रोम फिनिश के अंदर। एंड इसके बीच में आपको दिया जाता है होंडा का लोगो। एंड गाइस, इस ग्रिल का अपर क्रोम पार्ट सीधा जाकर इसकी हेडलैम्प से मर्ज हो जाता है। और अब हेडलैम्प्स की बात करें तो गाइस, यहाँ पर अब आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं LED DRLs और साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। हेडलैम्प यूनिट के नीचे आपको यहाँ फॉगलाइट हाउसिंग मिल जाती है एंड फॉगलाइट भी आपको यहाँ इस वेरिएंट के अंदर LED में दी जाती है। एंड फॉगलाइट की हाउसिंग पर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी देखने को मिल जाती है। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल का लुक। एंड ऑल ओवर पहले से ये कार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि आपको साइड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ अब इसमें दिए जाते हैं 15 इंचेस के मशीन कट अलॉय व्हील्स एंड MRF के टायर्स के साथ ये आपको ऑफर किए जाते हैं। एंड टायर प्रोफाइल की बात करें तो वो आपको यहाँ पे इसमें मिल जाती है 175/65 R15। और इस कार के लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील्स का ही ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है एंड इन ओवरियम्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का साइड प्रोफाइल का लुक। एंड गाइस, अब टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको क्रोम डोर हैंडल्स भी होंडा अमेज के अंदर ऑफर किए जाते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो इस कार की ऑल ओवर लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1635 mm और हाइट है 1498 mm। और आपको इस कार के अंदर 2470 mm का टोटल व्हील बेस दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको इस कार के अंदर ऑल ओवर इंटीरियर स्पेसिंग काफी अच्छी मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इस कार में दी जाती है 170 mm की। चलिए बढ़ते हैं कार की बैक प्रोफाइल की तरफ एंड चेक करते हैं कि आपको अमेज फेसलिफ्ट की बैक प्रोफाइल के अंदर क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाती हैं ऑल न्यू सी शेप्ड LED टेल लैंप्स, जो कि आती हैं रिवर्स पार्किंग लाइट और साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। उसी के बिल्कुल ऊपर आपको मिल जाती है अमेज की बैजिंग। एट बूट के सेंटर में आपको दिया जाता है होंडा का लोगो और यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाती है वेरिएंट, वीएक्स और पेट्रोल या डीजल IVTEC या ID TECH की बैजिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें प्लेसमेंट मिल जाती है रिवर्स पार्किंग कैमरा की एंड नंबर प्लेट लाइट्स आपको इस कार में हेलोजन में दी जाती हैं। एंड अब नीचे बम्पर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और साथ ही एक क्रोम लाइनिंग भी दी जाती है, जो कि इस कार के रियर प्रोफाइल की लुक्स को काफी ज्यादा एनहांस कर देती है। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट बैक प्रोफाइल का लुक। यहाँ पर आपको इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर रियर डिफॉगर भी ऑफर किया जाता है और साथ ही आपको ब्रेक लाइट भी यहाँ पे दी जाती है। और रूफ की बात करें तो रूफ पर आपको यहाँ पे एक शार्क फिन एंटीना दिया जाता है। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट बैक साइड का लुक। एंड ऑल ओवर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया गया है होंडा में इसको पहले से। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार के इंटीरियर्स को। तो गाइस, कार के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे कार को अनलॉक करने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है दोनों साइड्स पे कीलेस एंट्री के लिए। एंड जैसे ही आप अपना हाथ इसके अंदर डालेंगे, कार आपकी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी और लॉक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर को ही प्रेस करना पड़ेगा। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पर आपको सेम पहले की तरह ही ड्यूल टोन फिनिश के अंदर ही पूरे इंटीरियर्स इस कार में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको इसमें दिए जाते हैं ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स एंड उसके आगे आपको मिल जाते हैं ORVM के कंट्रोल्स। पीछे की साइड आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस दी जाती है, जहाँ पे आप अपनी कीज रख सकते हैं। एंड नीचे आपको एक बॉटल होल्डर और साथ ही स्पीकर दिया जाता है। एंड अब डोर ओपनिंग की बात करें तो गाइस, ये डोर काफी वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर एंटर करने में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। अंदर चलते ही आपको यहाँ इसमें मिल जाती है मैन्युअली एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड सीट के लिए। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार के इंटीरियर्स का फर्स्ट लुक।
एंड अब कीज की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार में स्मार्ट कीज ऑफर की जाती है, जो कि आती है लॉक, अनलॉक और रिमोटली टेलगेट ओपनर के बटन के साथ। चलिए अब कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन। आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है इल्यूमिनेटेड इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच। एंड अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे इसमें दिया जाता है पूरा वाइट इल्यूमिनेशन के साथ। यहाँ पर आपको इसके सेंटर में मिल जाती है MID स्क्रीन, राइट में आपको दिया जाता है स्पीडोमीटर और लेफ्ट में आपको मिल जाता है टैकोमीटर। एंड गाइस, इस कार की MID स्क्रीन के अंदर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर दिया जाता है और साथ ही रेंज, एवरेज, ट्रिप मीटर्स और साथ ही किलोमीटर्स ड्रिवन जैसी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे सब कुछ शो हो जाती है। एंड अब स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है एंड लेदर रैप का ऑप्शन आपको यहाँ पे किसी भी वेरियंट के अंदर अमेज में ऑफर नहीं किया जाता है। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स, और राइट हैंड साइड पर आपको इसमें मैनुअल वेरिएंट में दिए जाते हैं क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स। एंड अब आपको यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स भी दिए जाते हैं स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, जो कि आपको पहले पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते थे। स्टेयरिंग के पीछे आपको यहाँ पे हेडलैम्प का टॉगल मिलता है एंड अब आपको इस कार में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, और साथ ही फॉग लाइट का स्विच भी आपको यहीं पे इसमें दिया जाता है। और दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें वाइपर के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की। तो गाइज, यहाँ पर आपको इस कार में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट ऑफर की जाती है स्टेयरिंग व्हील के लिए। टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ पे आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। स्टेयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड पर आपको मिल जाता है एक AC वेंट, उसके नीचे आपको दिया जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, एंड ये स्विच आपको इसमें इल्यूमिनेटेड दिया जाता है, और उसके नीचे आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलर। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक। एंड ऑल ओवर इस कार में पहले की तरह ही ड्यूअल टोन ब्लैक एंड बेज कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही पूरे इंटीरियर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। डैशबोर्ड लेआउट के सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले मिल जाते हैं 2 AC वेंट्स, उसके नीचे आपको दिया जाता है 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, AM, FM, USB एंड USB के थ्रू आप इसमें वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, और साथ ही आपको इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है, और इसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के अंदर नेविगेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल ओवर काफ़ी इजी टू यूज सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड डिस्प्ले भी आपको इसका काफ़ी स्मूथ दिया जाता है, एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे थीम को चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड होंडा ने इस सिस्टम को नाम दिया है डिजीपैड 2.0। एंड इसके साइड पे आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स भी मिल जाते हैं इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, और उसके साथ में आपको मिल जाता है हजार्ड लाइट का स्विच, एंड इसका पूरा आउटर एरिया आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, जो कि ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड अब म्यूजिक सिस्टम के नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है, एंड यहाँ पर आपको इसके अंदर मैक्स कूल का फंक्शन भी दिया जाता है। AC कंट्रोल्स के नीचे आपको मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस, एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, एक USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट और एक USB पोर्ट, और उसके आगे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इस कार का गियर लीवर। यहाँ पर आपको इस कार में 5-speed मैनुअल एंड CVT ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है, एंड रिवर्स गियर इसमें लगाते ही आपको आपके रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले मिल जाएगा आपके 7 इंचेस के स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पर आपको इसमें 3 व्यू एंगल्स भी ऑफर किए जाते हैं, एंड ये आपको इसमें फिक्स्ड गाइडलाइंस के साथ ही ऑफर किया जाता है। एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के डिस्प्ले की बात करें तो वो आपको यहाँ पे होंडा में इसके किसी भी वेरिएंट के अंदर शो नहीं होता है, एंड गियर चेंज इंडिकेटर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में होंडा मेज में दिया जाता है, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको होंडा मेज के ऑटोमेटिक वेरिएंट का लिंक मिल जाएगा। एंड अब गियरबॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक, और उसके पीछे आपको दिया जाता है एक बॉटल होल्डर। यहाँ पर आप इसमें सेंट्रल आर्मरेस्ट को भी इंस्टॉल करवा सकते हैं एज एन एसेसरी। एंड अब सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की सीट्स ऑफर की जाती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, एंड ऑल ओवर काफी कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पर आपको इस कार में ऑफर की जाती हैं। एंड बेज कलर के अंदर ही पूरी फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाती हैं अमेज के सभी वेरिएंट्स के अंदर। एंड कुशनिंग की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे इस कार में काफी अच्छी मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं होंडा अमेज के अंदर सेफ्टी फीचर्स की। तो गाइस, होंडा अमेज के अंदर आपको ड्यूल एयरबैग्स ABS से DBD एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, एंड ग्लोबल एनकैप टेस्ट के अंदर होंडा अमेज ने 4 स्टार स्कोर किए थे आउट ऑफ 5 स्टार्स, जो कि एक अच्छा स्कोर है। एंड अब वारंटी पैकेज की बात करें तो गाइज, आपको होंडा अमेज के अंदर 3 ईयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी एज स्टैंडर्ड मिलती है, एंड उसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वापस इसके डैशबोर्ड लेआउट की तरफ। तो अब आपको यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट पे सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको पहले पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही पूरे ऑफर किए जाते थे। एंड पर्सनली मेरे को पहले वाला पियानो ब्लैक कलर ही इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड यही सेम ट्रीटमेंट आपको इसके डोर पैड्स पे भी देखने को मिल जाता है। चलिए अब इसका ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी अच्छे साइज का ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है, जहाँ पे आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं, पर ये आपको कूल ग्लव बॉक्स यहाँ पे नहीं दिया जाता है।
ऊपर रूफ की बात करें तो यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड सनशेड में वैनिटी मिरर मिल जाता है, सेंटर में आपको डे एंड नाइट मैनुअल IRVM मिल जाता है, और अब ऊपर दो हेलोजन में रूफ लाइट्स को भी इस कार में ऐड कर दिया गया है। एंड ड्राइवर साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं होंडा अमेज के अंदर एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांड न्यू ग्रे कलर मिल जाता है जो कि आप अभी देख रहे हैं, फिर आता है रेड, वाइट, सिल्वर और ब्राउन। चलिए अब चलते हैं इस कार की बैक सीट के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बैक सीट एक्सपीरियंस। तो ये गाइस इस कार का बैक डोर, एंड ये भी आपको सेम फ्रंट डोर की तरह ही ड्यूअल टोन ब्लैक एंड बेज कलर कॉम्बिनेशन के साथ ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है पावर विंडो का स्विच, उसके पीछे आपको दी जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस, नीचे आपको मिल जाता है एक बॉटल होल्डर और उसके साथ मिल जाता है आपको एक स्पीकर, ऊपर आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दिया जाता है, एंड यहाँ पर भी आपको इसमें फैब्रिक फिनिश मिल जाती है। एंड गाइस इस कार का बैक डोर भी काफी वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर बैक सीट में भी एंटर करने में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार की बैक सीट्स को। तो अंदर चलते ही आपको यहाँ सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाते हैं कि आपको हमें इसके टॉप एंड वेरियंट के अंदर भी फिक्स्ड हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको अमेज के किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं दिया जाता है। सेंटर में आपको यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाता है अमेज के एस वेरिएंट से, एंड यहाँ पर आपको इसमें दो कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाते हैं। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक बैक सीट से, एंड ऑल ओवर काफी अच्छे इंटीरियर्स यहाँ पर आपको इस कार में मिल जाते हैं इस सेगमेंट के हिसाब से। आगे आपको दो रूफ लाइट्स दी जाती हैं, एंड पीछे भी आपको यहाँ पे एक रूफ लाइट मिल जाती है, एंड ये भी आपको इसमें हेलोजन बल्ब के साथ ही दी जाती है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार में रियर एसी वेंट्स अभी भी नहीं दिए जाते हैं, पर आपको यहाँ एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट इसमें जरूर मिल जाता है। एंड इस कार की फ्रंट सीट्स की बैक साइड पे आपको यहाँ मैप पॉकेट्स भी ऑफर की जाती हैं दोनों साइड्स पे VX वेरिएंट के अंदर। एंड अब ऑल ओवर स्पेसिंग की बात करें तो गाइस मेरी हाइट 6 फीट है, एंड ड्राइवर सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। उसके बाद भी मेरे को इस कार के अंदर काफी अच्छा नी रूम और लेग रूम मिल रहा है, और हेडरूम की अगर बात करें तो हेडरूम यहाँ पे आपको इस कार में डिसेंट ऑफर किया जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे इसमें ग्रैब हैंडल दिया जाता है जो कि फिक्स्ड है। एंड अब बैक सीट पैसेंजर्स की बात करें तो इस कार की बैक सीट के अंदर 2 adults और 1 kid काफी इजीली ऑल ओवर बैठ सकते हैं, एंड मिडल पैसेंजर को यहाँ पे लेग रूम में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कम हम्प इसमें दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं कार के बाहर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बूट एरिया। तो गाइस होंडा में इसके VX वेरिएंट के बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला, आप रिमोटली कीज के थ्रू इसका बूट ओपन कर सकते हैं, एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे होंडा के लोगो के नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन भी दिया जाता है जिसको प्रेस करके आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। एंड अब बूट की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको इसमें टोटल 420 liters का बूट स्पेस मिल जाता है, एंड यहाँ पर आप इसमें 4-5 luggages बड़े आराम से रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक रूफ लाइट दी जाती है जो कि हेलोजन में। एंड मैट एरिया के नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके मैट के नीचे प्लेसमेंट मिल जाती है टूल किट की, और साथ ही एक 14 inches के स्पेस सेवर स्पेयर व्हील की। एंड स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे होंडा मेज के सभी वेरिएंट्स के अंदर स्टील व्हील ऑफर किया जाता है। एंड गाइस अब आपको फेसलिफ्ट वेरिएंट के अंदर ये वाला पार्ट भी इसमें पूरा कवर्ड मिल जाता है, पहले ये अनकवर्ड ही दिया जाता था टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं एंड बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो गाइस ये होंडा में इसका पेट्रोल वेरिएंट है, यहाँ पर आपको इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 90 पीएस की पावर एंड 110 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और इसकी ARAE क्लेम्ड माइलेज है 18.6 km/l। एंड प्राइसिंग की बात करें तो गाइस इस पर्टिकुलर कार होंडा अमेज टॉप एंड मॉडल VX पेट्रोल मैनुअल का एक्सशोरूम प्राइस है 8.22 lakh rupees, एंड ऑन रोड चंडीगढ़ में आपको ये पड़ेगी 9.10 lakh rupees की। एंड गाइस अगर आप होंडा अमेज का कोई और वेरिएंट भी कंसीडर कर रहे हैं तो आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड होंडा अमेज के बाकी सभी वेरिएंट्स के एक्सशोरूम प्राइसेस अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये था गाइस कार का डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द कार शो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।